चलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। ऑथर ने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में लिखा था, द ऑथर रिकॉल इज ग्रैंड मदर एज अ वेरी ओल्ड लेडी फॉर द 20 ईयर दैट द ऑथर हैड नोन हिज ग्रैंड मदर येट फाउंड हर ओल्ड एंड रिंकल। ऑथर अपनी ग्रैंड मदर को यानी दादी को 20 साल से जानता था। वह बहुत बूढ़ी और उसके झुर्रियाँ आई हुई थी। इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड शी हैड हजबेंड कुड वंस सिंस ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हैंग ऑन द वॉल ऑफ द ड्राइंग रूम। उसको यह विश्वास करने में बड़ा कठिन हो रहा था कि उसकी भी ग्रैंड मदर कभी यंग और सुंदर थी। उनके हस्बैंड थे, उनके हस्बैंड अर्थात खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम में लटका था। ही वोर अ बिग टर्बन, वो एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे। हिज क्लोथ्स वेयर लूज, ही लुक्स एट लीस्ट द 100 ईयर, वो 100 साल तक के दिख रहे थे। लुकिंग एट हिज पोर्ट्रेट वन कुड नॉट इमेजिन हिम इन हिज यूथ विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। कोई वो बिलीव करने के लिए तैयार नहीं थे कि वो कभी यंग भी रहे हैं, उनके वाइफ भी थे और बच्चे भी थे। द ऑथर्स ग्रैंड मदर, द थॉट ऑफ द ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग टू हिम। शी वॉज शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट इन स्टेचर। उसने ये बताया कि उसकी मदर ग्रैंड मदर थी वो छोटी थी, वो छोटी झुकी हुई थी और वो फैटी थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उसके जो फेस था उसमें बहुत सारी झुर्रियाँ आड़ी टेढ़ी थी। हर सिल्वरी वाइट हेयर वॉज स्कैटर्ड ओवर हर रिंकल फेस। उसके जो सुनहरे चमकीले बाल थे वो यहाँ वहाँ उसके झुर्री वाले चेहरे पर बिखरे रहते थे। द ऑथर रिमेम्बर्ड हर होबलिंग अराउंड द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट क्लोथ विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर एंड बिजी काउंटिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन अ इनऑडिबल प्रेयर टू द ऑथर। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी रिफ्लेक्टेड डिवाइन ब्यूटी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। तो हमेशा ही ऑथर को विश्वास करने में परेशानी होती थी कि वह कभी सुंदर थी, यंग थी। अपनी दादी के बारे में उसने बहुत सारे इमेजिनेशन बना के रखे थे, लेकिन फिर भी यह डिसाइड हो यह लगता था कि वह कहीं ना कहीं सुंदर थी। द ऑथर चाइल्डहुड विथ हिज ग्रैंड मदर, यहाँ से एक्चुअल में स्टोरी स्टार्ट होती है। अब ऑथर अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है, द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वेयर गुड फ्रेंड। ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर बहुत अच्छे दोस्त थे। हिज पेरेंट लेफ्ट हिम टू स्टे विथ हर व्हेन दे शिफ्टेड टू सिटी। उसके पेरेंट्स खुशवंत सिंह को गांव में अपनी ग्रैंड मदर के पास छोड़ गए थे जब वो गांव से शहर की ओर शिफ्ट हुए। हर ग्रैंड मदर टुक केयर ऑफ ऑल हिज नीड्स, ग्रैंड मदर उसकी हर जरूरत को पूरा करती थी। शी वॉज क्वाइट एक्टिव एंड एजाइल, काफी बूढ़ी भी थी लेकिन बहुत अच्छा कार्य करती थी यानी एक्टिव थी। शी यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, वह उसको सुबह सुबह उठा देती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ सिंग सॉन्ग मैनर वाइल शी बाते एंड ड्रेस हिम इन द होप दैट हर ग्रैंड सन वुड लर्न देम बाय हर्ट। जब उसकी ग्रैंड मदर नहाती थी तो वो चिल्ला चिल्ला कर भगवान की प्रेयर गाती थी और वह सोचती थी कि उसके ग्रैंड सन यानी खुशवंत सिंह को यह प्रेयर याद हो जाए। द ऑथर लिसन टू हर प्रेयर बिकॉज शी लव्ड हर वॉइस, ऑथर उसकी आवाज़ को बहुत पसंद करता था इसलिए सुनता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न देम, लेकिन कभी उसने
सीखने का प्रयास नहीं किया. देन शी वुड फेच हिज वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड इट विथ येलो चॉक. शी वुड टेक एन अर्थन इंक पॉट एंड अ रीड पेन एंड टाई देम इन अ बंडल एंड हैंड इट टू द ऑथर. आफ्टर हैविंग अ थिक स्टेबल स्टील चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट फॉर ब्रेकफास्ट दे यूज टू लीव फॉर स्कूल. उसके बाद उसकी मदर जो थे चपाती यानी बासी चपाती के ऊपर बटर और शुगर लगाकर उसको ब्रेकफास्ट के लिए देती थी और स्कूल छोड़ने जाती थी. द ऑथर ग्रैंड मदर ऑलवेज एकॉम्पनीड विथ एकॉम्पनीड हिम टू स्कूल एज इट वॉज अटैच्ड टू टेम्पल. ऑथर की ग्रैंड मदर उसको स्कूल के लिए साथ देती थी जाने में, जो कि एक मंदिर से लगा हुआ था. द प्रीस्ट टॉट चिल्ड्रन द अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर. द चिल्ड्रन सैट इन टू रोज इन द वरामदा. वहां पर जो प्रीस्ट यानी पुजारी बच्चों को अल्फाबेट यानी ABCD या आबासा सिखाता था और सुबह की प्रेयर कराता था. द चिल्ड्रन सैट इन टू रो इन द बरामदा. बरामदा में ये बच्चे दो रो में बैठ जाते थे. दे वुड सिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस. वे ग्रुप में एक साथ अल्फाबेट और प्रेयर गाते थे. वाइल द ऑथर लर्न हिज लेसन एट स्कूल द ग्रैंड मदर वुड रीड स्कल्पचर इन द एडजॉइनिंग टेम्पल. जब तक ऑथर ये सब लर्न करता था, उतनी देर में उसकी ग्रैंड मदर लगे हुए मंदिर में जो भगवान की स्तुति वगैरह है उसको रीड करती थी. ऑन देयर वे बैक दे वुड फीड स्टील चपाती टू द डॉग. और के पीछे वे डॉग्स को बासी चपातियां देते थे. द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप ऑफ ग्रैंड मदर एंड ऑथर. ऑथर यानी लेखक और उसकी दादी के बीच में जो टर्निंग पॉइंट है वह कैसे स्टार्ट हुआ वो मैं बता रहा हूँ. द टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप व्हेन दे मूव टू सिटी टू टेक विद खुशवंत सिंह पेरेंट्स. लेखक की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब खुशवंत सिंह के पेरेंट उसको सिटी लेके चले गए. इन द सिटी द ऑथर वेंट टू इंग्लैंड स्कूल इन अ मोटर बस. द ग्रैंड मदर कुड नॉट एकॉम्पनीड विद कंपनी हिम टू द स्कूल. अब वह इंग्लैंड स्कूल मोटर बस से जाता था और अब उसकी दादी उसके साथ स्कूल नहीं जा पाती थी. एज देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट. गांव में कोई डॉग्स नहीं थे. द ग्रैंड मदर टूल्स टू फीडिंग द स्पैरो. अब ग्रैंड मदर यहाँ पर स्पैरो जो गुरैया चिड़िया होती है उसको दाना देने लगी. एज द ईयर रोल्ड बाय दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर इन स्पाइट हर इमेंस इंटरेस्ट इन हिज स्टडी. अब ऐसे ऐसे समय बीतता गया, एक दूसरे का मिलना जुलना देखना बंद होता गया. किसका? ऑथर और उसकी दादी का, क्योंकि ऑथर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया. शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज लेसन एज ही वॉज लर्निंग इंग्लिश एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड मैनी बोर्ड. अब की दादी उसको मदद नहीं कर पाती थी क्योंकि वह इंग्लिश पढ़ रहा था और साइंस के सब्जेक्ट लॉ ऑफ ग्रेविटी और आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ रहा था. सच थिंग विच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड दिस मेड हर अनहैप्पी. और अब ये सारी चीज़ें उसकी समझ में नहीं आ रही थी और वह दुखी थी. समटाइम्स शी वुड आस्क हिम व्हाट द टीचर हैड टॉट हिम. वह सोचती थी कि पता नहीं उसके टीचर उसको क्या समझते हो. हम खुशवंत सिंह की ये वाली स्टोरी पढ़ रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है कि खुशवंत सिंह गांव में रहता था और गांव से शहर के साइड मूव कर गया. उसकी ग्रैंड मदर और उसमें क्या क्या चेंज हुए, क्या उनके बीच में रिलेशन से, इसको हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है. अब आप क्या करिए, घर में इसको 2-3 बार रीड करने की प्रैक्टिस करिए और इनके कठिन कठिन वर्डों को आप छांट के होता रखिए और उनका मीनिंग लिखिए. ठीक, बहुत अच्छी स्टोरी है.
यहां तक आप एक बार रीड करके समझिए, नेक्स्ट क्लास में अपन को पूरा कंप्लीट करते हैं, आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी।